इस वीडियो में हम Google Now के बारे में सीखेंगे। Google Now क्या है, इसे आप किस प्रकार यूज कर सकते हैं और इसे हिंदी में प्रयोग कैसे करें। नमस्ते, हेलो, मेरा नाम एकता है। Google Voice Search के टॉपिक पर हमारा एक वीडियो पहले से है। अगर आप कंप्यूटर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके, और अगर आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। Google Now क्या है? Google Now एक ऑनलाइन असिस्टेंट है जिससे आप बोलकर कुछ काम करवा सकते हैं। ये आपके एंड्रॉयड या एप्पल फोन से इस्तेमाल हो सकता है और आप इससे अपने क्रोम ब्राउजर से कंप्यूटर पर भी यूज कर सकते हैं। आजकल वर्चुअल असिस्टेंट्स हर जगह पॉपुलर हो रहे हैं। एप्पल आईफोन्स पर सीरी, विंडोज पर कॉर्टाना और गूगल नाउ, सभी आपकी आवाज सुनकर, समझकर आपके कहे अनुसार आपकी मदद करते हैं। गूगल नाउ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अलार्म लगा सकते हैं, मूवीज या म्यूजिक सुन सकते हैं, कैलेंडर की अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं, किसी जगह की डायरेक्शंस या रास्ता मैप पर देख सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं और फोन कॉल भी कर सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं कि गूगल नाउ को कैसे यूज करते हैं। यहाँ मैं सैमसंग नोट 4 का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो एक एंड्रॉइड फोन है। यहाँ मैं कुछ कमांड्स बोलूंगी और देखते हैं कि गूगल नाउ क्या रिजल्ट देता है। आपके पास दो तरीके हैं गूगल नाउ यूज करने के। आप यहाँ बोल सकते हैं ओके गूगल और गूगल खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ओके गूगल जो है वो कोट्स में है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं या फिर ये एक आइकन है जो आपके एंड्रॉयड फोन पर होना चाहिए। अगर आपके पास ये आइकन नहीं है तो बाद में मैं आपको सिखा दूंगी कि आप अपने फोन पर ये शॉर्टकट कैसे डाल सकते हैं। चलिए हम जो है यहाँ ओके गूगल बोल लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये कभी कभी आपके फोन पर काम ना करे, तो इसलिए परेशान मत होइए, आप दूसरा वाला ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बोलते हैं ओके गूगल, हाउ मेनी ग्राम्स इन अ किलोग्राम? 1 kilogram equals 1000 grams. ये देखिए बोल रहा है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर्स इन अ माइल? 1 mile equals 1.609 kilometers. तो ये रिजल्ट तो दिखा ही रहा है, लेकिन ये आवाज के द्वारा हमें बता भी रहा है। What is the temperature in New Delhi? It's 36 degrees in New Delhi right now. तो आज अभी इस समय नई दिल्ली में 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यानी कि तापमान है। फिर से क्लिक कर लेते हैं। What is the capital of France? Paris is the capital of France. बहुत ही आसान है, बस आप कुछ भी बोलिए और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। कुछ मुश्किल सवाल अब पूछ लेते हैं। What is the distance between the Earth and the Moon? The Moon is 370,300 kilometers from Earth. ये देखिए उसने हमें बता दिया कि पृथ्वी और चांद के बीच में कितना डिस्टेंस है और कितना फासला है। अब ये देखिए ऊपर जो है आपको एक अलर्ट सा दिख रहा है, वो बोल रहा है लाइक सर्चिंग बाय वॉइस एड अ माइक टू द होम स्क्रीन। तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और ये जो वॉइस सर्च का आइकन है वो आपके फोन पर आ जाएगा, जैसे कि ये आ गया है। अब हम दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछ लेते हैं। What is the population of India? The population of India was 1.252 billion in 2013.
तो उसने बिल्कुल सही समझ लिया और उसने मुझे आवाज़ से बता भी दिया। ये एक बहुत ही काम की चीज़ है, ख़ास करके तब जब आप टाइप नहीं करना चाहते या आपको ठीक से किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं पता, तो ऐसे में आप गूगल नाउ का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए और कोई पॉलिटिक्स का सवाल पूछ लेते हैं। Who is the Prime Minister of India? Narendra Modi is the Prime Minister of India. ये तो सही जवाब है। अब कोई चीफ मिनिस्टर पूछ लेते हैं। Who is the Chief Minister of Maharashtra? Oh, इसने हमें जवाब नहीं दिया, लेकिन इसने हमें खोज के परिणाम या सर्च रिजल्ट्स दिखा दिए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर विकिपीडिया के रिजल्ट्स सबसे ऊपर आए हैं, क्योंकि विकिपीडिया एक तरह का ज्ञानकोश है, वेब पर इंसाइक्लोपीडिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी एक समझदार वर्चुअल असिस्टेंट है और ये आपकी बात को समझ करके आपको सर्च रिजल्ट्स जो है दे देता है। अब हम कोई और एडवांस्ड इसके फीचर्स यूज़ कर लेते हैं। ये तो फ़िलहाल हमने सिर्फ इससे सवाल पूछे और ज़्यादातर हमें ठीक ठाक जवाब मिल ही गए। अब हम कोई वॉइस कमांड्स दे देते हैं और देखते हैं कि ये सचमुच में इतना इंटेलिजेंट है या नहीं। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेती हूँ। कोई लोकेशन का सवाल पूछ लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया, My current location. Here is a map of Kebayoran Baru, South Jakarta City, special capital region of Jakarta. देखिए, मैं फिलहाल जकार्ता में हूँ और इसने बिल्कुल सही मेरी लोकेशन जो है एस्टिमेट कर ली है। और इसकी वजह एक ये भी है कि ये मेरे फ़ोन से जो है आसपास के GPS टावर से मेरी लोकेशन ले लेता है। आप देखते हैं कि डायरेक्शंस ये सही दे पाता है या नहीं। डायरेक्शंस टू प्लाजा इंडोनेशिया मॉल। प्लाजा इंडोनेशिया इज 27 मिनट्स फ्रॉम योर लोकेशन बाय कार इन हेवी ट्रैफिक। हियर आर योर डायरेक्शंस। ये देखिए, इसने मुझे डायरेक्शंस भी दे दी और इसने मुझे मैप पर दिखा दिया और कार से अगर मैं गई, गाड़ी से अगर मैं गई तो मुझे लगभग 27 मिनट लगेंगे इस 8.5 किलोमीटर की जर्नी में। तो एक बात अगर आपने ध्यान दी हो, मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही अपने वर्ड्स को धीरे धीरे बोल रही हूँ। अगर आप तेज़ तेज़ बोलेंगे तो हो सकता है कि ये ठीक से आपकी बात को ना समझ पाए और हो सकता है कि इसके सुनने में थोड़ी गलती हो जाए। चलिए कुछ और ट्राई कर लेते हैं। सेंड SMS। To keep going, Google needs to use your device contacts. वो बोल रहा है कि उसे हमारे contacts यूज करने की परमिशन या अनुमति चाहिए, तो हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, अब वो मेरे ईमेल एड्रेस में से सारे के सारे जो हैं कॉन्टैक्ट्स ले लेगा। अब वो बोल रहा है टर्न ऑन दिस सेटिंग, तो हम यस आई एम इन पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। ओ एक्चुअली ये सुन रहा है, देखते हैं। अब ये SMS वो बोल रहा है, हु डू यू वॉन्ट टू टेक्स्ट? विकास इंडोनेशिया। Sorry, who do you want to text? देखिए, मैंने नाम बोला तो उसे ठीक से समझ नहीं आया। पापा। ओ, इसने फिर से ठीक से नहीं समझा। इससे हम फिर से और यहाँ से जो है हम अपने कॉन्टैक्ट्स चुन सकते हैं। खैर, SMS तो ठीक से नहीं गया, कोई और वॉइस कमांड भेजने की कोशिश कर लेते हैं। ओपन ईमेल। वो अभी भी सेंडर टेक्स्ट पर ही है, हम इसे बंद कर देते हैं और ये SMS भेजने की प्रक्रिया अब बंद हो गई। चलिए, ओपन ईमेल। ये देखिए,
जैसे ही मैंने ओपन ईमेल बोला, ये मेरा याहू जो है वो खुल गया। अब याहू जो है मेरा डिफ़ॉल्ट ईमेल है, शायद इसलिए ये खुल गया। अब मैं अगर जीमेल खोलना चाहूँ तो क्या करना होगा? यहाँ से पहले बाहर आते हैं और अब यहाँ पर इसे क्रॉस करते हैं और अब इधर क्लिक करके बोल देती हूँ ओपन जीमेल। ये देखिए मेरा जीमेल का इनबॉक्स खुल गया। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। कोई ऐप खोज लेते हैं, ओपन यूट्यूब। ये देखिए यूट्यूब की ऐप जो है मेरे गूगल वॉइस कमांड से गूगल नाउ द्वारा खुल गई। इसे क्लोज कर देते हैं। तो आपने देखा कि आप कुछ भी बोल करके गूगल नाउ से अपने फ़ोन पर जो है अलग अलग वॉइस कमांड्स दे सकते हैं और उससे गूगल नाउ जो है आपके असिस्टेंट की तरह काम करेगा, आपके सहयोगी की तरह काम करेगा और जो भी आप कमांड्स देंगे उन्हें वो एग्जीक्यूट भी करेगा। पर हर वर्चुअल असिस्टेंट में कुछ कमियां होती हैं और ये परफेक्ट नहीं होता, खास करके तब जब आप कोई नाम लेते हैं या आप किसी दूसरी लैंग्वेज या भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं। अब अगर गूगल नाउ को हिंदी में प्रयोग करना हो तो कैसे करें? यहाँ मेरा फोन वही है, बस गूगल नाउ की सेटिंग थोड़ी मैंने बदल दी है। ये रहा गूगल नाउ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके कुछ हिंदी में बोल लेती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? Sorry, could you repeat that? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? Sorry, could you repeat that? ये देखा आपने कि ये बिल्कुल समझ नहीं पाता कि मैं हिंदी में क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश में समझने की कोशिश कर रहा है और इसे समझ नहीं आ रहा। अगर आप हिंदी में या अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज की सेटिंग्स बदलनी होंगी। वो कैसे करेंगे? ये देखिए ये ऊपर तीन बार्स हैं, तीन पट्टियाँ हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, एक पैनल खुल जाता है और अब सेटिंग्स पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारी सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पर हमें जाना है सर्च लैंग्वेज पर। ये देखिए ये रहा सर्च लैंग्वेज। अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और अब हमारी सब लैंग्वेजेस यहाँ पर हमें दिख रही हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऊपर इंग्लिश US डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, ये ब्लू कलर की पट्टी में आपको दिख रहा होगा। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए ये इंग्लिश US है और इसके आगे एक ब्लू कलर का नीले रंग का टिक मार्क है। इसका मतलब हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज फ़िलहाल इंग्लिश सेट है। अगर आपको इसे बदलना है तो आप कोई भी यहाँ से भाषा चुन सकते हैं। हमें करना है हिंदी। हम बिल्कुल नीचे जाते हैं और ये देखिए ये आ गया हिंदी। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और अब इसके आगे नीले रंग का टिक मार्क आ गया और ऊपर आपको इंग्लिश की जगह अब हिंदी भारत दिख रहा है, यानी कि हमारी लैंग्वेज अब हिंदी सेट हो गई। अब वापस जाकर हिंदी में खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए ये वापस गए, बाहर आए और अब हम माइक पर वही सवाल दोबारा पूछते हैं और देखते हैं ये जवाब देता है या नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बराक ओबामा। ये देखिए उसने समझ भी लिया, उसने हिंदी में टाइप भी कर लिया और मुझे बोलकर जवाब भी दे दिया। तो अगर आप अपनी भाषा की सेटिंग बदल लेते हैं तो वो हिंदी में समझने की कोशिश करता है। चलिए कुछ और नया टाइप कर लेते हैं, जैसे कि भारत की जनसंख्या क्या है? 1.252 बिलियन 2013। ये देखिए यही सवाल हमने इंग्लिश में पूछा था और अब हमने ये हिंदी में पूछ लिया और हमें पता चल गया कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछ लेते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड, जैसे कि चलिए शाहरुख खान चित्र।
मिलान करने वाले कुछ क्षेत्र दिए गए हैं। ये देखिए, इसने शाहरुख खान भी समझ लिया और इसने शाहरुख खान की पिक्चर्स मुझे सर्च रिजल्ट्स में खोज के परिणाम में दिखा दी। तो इसने समझ लिया कि मैं क्या पूछ रही थी। कुछ और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछ लेते हैं। शाहरुख खान की उम्र क्या है? 50 वर्ष 2 नवंबर 1965। ये देखिए, उसने अपने आप से शाहरुख खान की इमेज दे दी, उसकी एज और बर्थडे दे दी और उनके साथ में जो भी एक्टर्स हैं उनकी फोटोज और उनकी भी उम्र नीचे डिस्प्ले कर दी। तो वह समझने की कोशिश कर रहा है कि शायद आप बाकी एक्टर्स की भी उम्र जानना चाहते हैं। बहुत ही इंट्यूटिव है, खुद से समझने की कोशिश कर रहा है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है और आप इससे हिंदी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तो थी बात सर्च इंजन की। अब अगर हम वॉइस कमांड अपने फ़ोन पर कुछ एक्टिविटी करने के लिए यूज़ करते हैं तो क्या ये काम करेगा? चलिए हम कोई अलार्म सेट कर लेते हैं हिंदी में और देखते हैं ये अलार्म सेट हो पाता है या नहीं। कल सुबह 5 बजे का अलार्म। ओ, तो इसने समझ तो ठीक से लिया और इसने ठीक से टाइप भी कर लिया, लेकिन इसने मेरे कमांड को जो है एग्जीक्यूट नहीं किया और फोन पर अलार्म नहीं लगाया। तो ये इसकी एक शॉर्टकमिंग है। हिंदी में ये मेरा कमांड ठीक से समझ नहीं पा रहा, क्योंकि जब मैंने ये इंग्लिश में अलार्म सेट किया था तो ये बहुत ही अच्छे से अलार्म सेट कर देता है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर बार्स हैं। मैं फटाफट से इसकी लैंग्वेज जो है दोबारा से इंग्लिश कर लेती हूँ और फिर आपको अलार्म फटाफट से सेट करके दिखा देती हूँ। ये मैंने इंग्लिश यूके सेट किया और ये मैं वापस आ गई यहाँ पर। ये देखिए, ये आ गया हमारा गूगल और अब मैं माइक पर क्लिक करके अलार्म सेट कर लेती हूँ। सेट एन अलार्म फॉर टुमारो मॉर्निंग 5 AM। ये देखिए, उसने खुद से मेरी बात समझ ली और उसने 5 बजे सुबह का अलार्म सेट कर दिया। अगर आप यहाँ पर व्यू अलार्म्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सारे अलार्म्स जो हैं आपको दिख जाएंगे और अगर आप ध्यान देंगे तो ये कल सुबह 5 बजे का अलार्म यहाँ पर सेट है। तो ये आपने नोटिस किया कि इसमें थोड़ी सी शॉर्टकमिंग है, थोड़ी सी इसमें कमी है। ये इंग्लिश के कमांड्स बिल्कुल परफेक्टली समझ पाता है, लेकिन हिंदी या किसी और भाषा के जो कमांड्स हैं उसे ठीक से समझ नहीं आते। लेकिन ठीक है, हर वर्चुअल असिस्टेंट जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, परफेक्ट नहीं है और इसमें भी धीरे धीरे ये शायद इम्प्रूवमेंट्स कर रहे होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के ये गूगल नाउ ऑफलाइन काम नहीं करेगा। अब अंत में कुछ टिप्स। पहली बात, आपको माइक के पास बोलना है। अगर आप दूर से बोलेंगे तो हो सकता है कि गूगल नाउ उसे ठीक से समझ ना पाए। दूसरी बात, आपको जोर से लेकिन एक एक करके शब्द बोलने होंगे। अगर आप जल्दी जल्दी बोलते हैं तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ गूगल नाउ ना सुन पाए, ना समझ पाए। तो देखा आपने, बहुत ही मज़ेदार वर्चुअल असिस्टेंट है। आप जाइए और अपने फ़ोन से गूगल नाउ पर कुछ भी खोज लीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका गूगल नाउ इस्तेमाल करने का अनुभव कैसा रहा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो YouTube में लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशंस और जानकारी पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।